नमस्कार दोस्तों, मैं शिव शंकर मोदी आप सबका आपके अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस भाग में सबसे पहले हम यह देख लेते हैं कि हमारे एसी कोच के अंडर फ्रेम में इलेक्ट्रिक से संबंधित क्या क्या उपकरण लगे हुए हैं। दोस्तों देखिए, दोस्तों अल्टरनेटर पीपी सेट, इसे अल्टरनेटर 1 भी कहते हैं। यह देखिए दोस्तों, अल्टरनेटर एनपीपी सेट, इसे अल्टरनेटर 2 भी कहते हैं। दोस्तों यह ERR पीपी सेट है दोस्तों, जो कि हमारे अल्टरनेटर 1 से जुड़ा हुआ रहता है। और दोस्तों यह ERR NPP साइड है, जो कि हमारे अल्टरनेटर 2 से जुड़ा होता है दोस्तों। और देखिए दोस्तों, हमारे एसी कोच में एक बैटरी सेट लगा होता है। इस बैटरी सेट को दो हिस्सों में बांटकर लगाया गया है, इसलिए दोस्तों इसे बैटरी बैंक 1 और बैटरी बैंक 2 कहा गया है। दोस्तों हाफ सेट बैटरी बैंक कोच के एक साइड लगाया गया है और दूसरा हाफ सेट बैटरी बैंक कोच के दूसरी साइड लगाया गया है। दोस्तों इसके पीछे कारण यह है कि हमारे कोच के नीचे इतनी जगह नहीं होती है कि पूरा बैटरी बैंक एक ही साइड लग जाए, इसलिए इसे दो हिस्सों में बांट करके दोनों साइड लगाया गया है। और दोस्तों हम यह भली भांति जानते हैं कि हमारे हाफ सेट बैटरी बैंक में 28 सेल लगे होते हैं और दूसरे हाफ सेट बैटरी बैंक में भी 28 सेल लगे होते हैं। दोस्तों इन सभी सेलों को आपस में सीरीज में जोड़ा गया है। जैसे यह हाफ सेट बैटरी बैंक है, इसके प्रत्येक सेल को सीरीज में जोड़ दिया गया और इसकी आउटपुट जो है यह नेगेटिव सप्लाई जो है दूसरे हाफ सेट बैटरी बैंक के पॉजिटिव सिरे के साथ जोड़ दिया गया है। दोस्तों यह सील्ड मेंटेनेंस फ्री बैटरी है, 110 वोल्ट डीसी 1100 एम्पीयर आवर। बैटरी बैंक के एक साइड से हमें 110 वोल्ट पॉजिटिव डीसी प्राप्त होती है और दूसरे एंड पर हमें 110 वोल्ट डीसी नेगेटिव सप्लाई प्राप्त होती है दोस्तों। और देखिए दोस्तों, IGBT बेस्ड बैटरी चार्जिंग यूनिट, जिसे हम बैटरी चार्जर भी कहते हैं, यह हमारे कोच के अंडर फ्रेम में लगा होता है दोस्तों। और दोस्तों जो RMPO IC कोच अंडर स्लंग इन्वर्टर के हैं, उनमें दोनों इन्वर्टर अंडर फ्रेम में लगे होते हैं, इन्वर्टर पीपी साइड और इन्वर्टर एनपीपी साइड। और दोस्तों जो कोच ऑन बोर्ड इन्वर्टर के हैं, उनमें इन्वर्टर ऊपर लगा होता है कोच के अंदर। और दोस्तों यह प्री कूलिंग सॉकेट पीपी साइड, जो कि हमारे कोच के एक साइड, जिस साइड हमारा पावर पैनल है उस साइड दोस्तों कोच के बाहर की तरफ लगा होता है। और यह दूसरा प्री कूलिंग सॉकेट एनपीपी साइड, जो कि हमारे एनपीपी साइड कोच के बाहर की तरफ लगा होता है, जिसे कि हम 415 वोल्ट की एसी सप्लाई बाहर से दे करके हम बैटरी चार्जर तक यह सप्लाई पहुंचाते हैं दोस्तों। और दोस्तों मोनोब्लॉक पंप, बैटरी फ्यूज, जंक्शन बॉक्स और दोस्तों अंडर फ्रेम वायरिंग। आइए दोस्तों अब हम पावर पैनल के अंदर लगने वाले इक्विपमेंट के बारे में विचार कर लेते हैं। दोस्तों यह सिंगल बस बार है, जैसा कि आप देख रहे हैं टर्मिनल 21 और टर्मिनल 41, एक साइड इनपुट दिखाया गया, एक साइड आउटपुट दिखाया गया। इसी प्रकार PP ERRU के लिए सिंगल बस बार है, जिसपे एक साइड टर्मिनल 19 है, दूसरी साइड टर्मिनल नंबर 44 है। इसी प्रकार दोस्तों यह सिंगल बस बार ERRU2 के लिए है, इस बस बार की इनपुट टर्मिनल नंबर 17 है और इस बस बार के आउटपुट टर्मिनल नंबर 45 है। दोस्तों यह शंट रेजिस्टेंस पीपी साइड अल्टरनेटर के लिए, और दोस्तों यह शंट रेजिस्टेंस एनपीपी साइड अल्टरनेटर के लिए, और दोस्तों यह तीसरी शंट रेजिस्टेंस बैटरी की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग की पोजीशन देने के लिए लगाई गई है। दोस्तों देखिए दोस्तों, एम्पीयर मीटर 1 बैटरी की चार्जिंग डिस्चार्जिंग पोजीशन देने के लिए लगाया गया है, और दोस्तों एम्पीयर मीटर 3 पीपी साइड अल्टरनेटर की जनरेशन शो करने के लिए लगाया गया है दोस्तों, और एम्पीयर मीटर 2 एनपीपी साइड के अल्टरनेटर की जनरेशन शो करने के लिए लगाया गया है दोस्तों। RSW1 400 एम्पीयर पावर सेलेक्टर स्विच, जो कि अल्टरनेटर 1, अल्टरनेटर 2 एंड बैटरी को सेलेक्ट करता है दोस्तों। RSW2 300 एम्पीयर प्लांट सेलेक्टर स्विच, जो कि इन्वर्टर 1 और इन्वर्टर 2 को डीसी पॉजिटिव सप्लाई देने का कार्य करता है दोस्तों। और दोस्तों यह पॉजिटिव बस बार है, जो कि हमारे पावर पैनल में लगी होती है दोस्तों। और दोस्तों इस पुश बटन स्विच को पुश करके हम इस वोल्ट मीटर के द्वारा कोच के डीसी वोल्टेज चेक करते हैं दोस्तों। और देखिए दोस्तों, यह नेगेटिव बस बार है, जो कि पावर पैनल में नीचे की तरफ लगी होती है दोस्तों। यह RSW8 है, जो कि प्री कूलिंग के समय एक्सटर्नल 3 फेज 415 वोल्ट की सप्लाई को सेलेक्ट करके बैटरी चार्जर को 3 फेज 415 वोल्ट एसी सप्लाई देने का कार्य करता है दोस्तों। यह देखिए दोस्तों, RSW5 कोच की फ्लोरोसेंट लाइट को सेलेक्ट करने के लिए, और यह RSW6 नाइट लैंप और क्यूबिकल लाइट को सेलेक्ट करने के लिए दोस्तों। और दोस्तों यह पीपी साइड इन्वर्टर ऑन ऑफ पैनल, और यह एनपीपी साइड इन्वर्टर ऑन ऑफ पैनल, जो कि पावर पैनल के ठीक सामने लगे होते हैं दोस्तों। और दोस्तों यह इन्वर्टर चेंज ओवर कंट्रोल बॉक्स है, जो कि हमारे पीपी साइड के कंट्रोल पैनल के पास में लगा होता है दोस्तों। दोस्तों इसे इन्वर्टर चेंज ओवर स्विच भी कहते हैं, और इसे इन्वर्टर इंटरचेंज स्विच भी कहते हैं। और दोस्तों एसी कंट्रोल पैनल पीपी साइड, जो कि पावर पैनल साइड कोच के एंट्री गेट के पास में लगा होता है दोस्तों। और दोस्तों एसी कंट्रोल पैनल एनपीपी साइड कोच के दूसरे एंड के एंट्री गेट के पास लगा होता है दोस्तों। और दोस्तों यह ERRU डिस्प्ले पैनल, जो कि हमारे पावर पैनल के ठीक ऊपर लगा होता है, इसे CIP या कोच इंडिकेशन पैनल भी कहते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों,
हमारे एसी कोच में लगे हुए दोनों ईआरआरयू से एक एक 12 कोर की सीआईपी केबल उठाई जाती है, जो कि यहाँ से ये केबल आउट होकर के ईआरआरयू डिस्प्ले पैनल को दे दी जाती है। और दोस्तों यह डीसी सप्लाई एमसीबी सेक्शन पावर पैनल के दाएं तरफ ऊपर की ओर लगा होता है दोस्तों। और दोस्तों यह आईजीबीटी बैटरी चार्जिंग डिस्प्ले यूनिट भी हमारे पावर पैनल में दाएं तरफ ऊपर के गेट पे लगी होती है दोस्तों। आइए दोस्तों अब हम पावर पैनल में लगी हुई वायरिंग से संबंधित चर्चा करते हैं। आइए दोस्तों अब हम बैटरी की सप्लाई से वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों सेलों के सीरीज कनेक्शन का यह अभिप्राय होता है कि पहले सेल का नेगेटिव सिरा दूसरे सेल के पॉजिटिव सिरे से जुड़ा होता है और दूसरे सेल का नेगेटिव सिरा तीसरे सेल के पॉजिटिव सिरे से जुड़ा होता है। इसी प्रकार चौथे सेल का नेगेटिव सिरा पांचवें सेल के पॉजिटिव से जुड़ा होता है और इसी प्रकार सभी 56 सेलों के कनेक्शन किए जाते हैं। और दोस्तों यह पॉजिटिव सप्लाई 400 एम्पीयर बैटरी फ्यूज से पास होकर के वायर नंबर 201 हमारे पावर पैनल में टर्मिनल नंबर 21 पर आती है दोस्तों। टर्मिनल नंबर 21 से यह सप्लाई आउट होकर टर्मिनल नंबर 41 बन जाता है दोस्तों और टर्मिनल नंबर 41 से आउट होकर के यह सप्लाई शंट रेजिस्टेंस में जाती है दोस्तों। और दोस्तों यह डीसी पॉजिटिव सप्लाई इस शंट रेजिस्टेंस के ऊपर के सिरे से आउट होकर के पावर पैनल में लगे हुए टर्मिनल नंबर 22 पर आती है दोस्तों। देखिए दोस्तों टर्मिनल 22 की आउटपुट सप्लाई टर्मिनल नंबर 43 पर जाती है और 43 से यह 19 नंबर वायर जो आप देख रहे हैं यह हमारे RSW1 के सी कॉन्टैक्ट पे जाती है दोस्तों। और दोस्तों यह जो वायर दिखाया गया है यह हमारे शंट रेजिस्टेंस के इनपुट से उठाया जाता है और हमारे चार्जिंग डिस्चार्जिंग मीटर के पॉजिटिव सिरे पे जाता है दोस्तों। और दूसरा दोस्तों यह जो वायर दिखाया गया है यह हमारे शंट रेजिस्टेंस की आउटपुट से उठाया गया है और ये चार्जिंग डिस्चार्जिंग मीटर के नेगेटिव सिरे पे जाता है दोस्तों। देखिए दोस्तों पीपी साइड के ईआरआरयू की आउटपुट से प्राप्त यह पॉजिटिव सप्लाई वायर संख्या 116 है, जो कि यहाँ से आउट होकर के पावर पैनल में लगे हुए टर्मिनल नंबर 19 पर जाती है दोस्तों। और दोस्तों यह सप्लाई टर्मिनल नंबर 44 से आउट होकर के अल्टरनेटर 1 से संबंधित शंट रेजिस्टेंस की इनपुट में जाती है दोस्तों और इस शंट रेजिस्टेंस के आउटपुट से यह सप्लाई पास होकर के वायर संख्या 17 बन जाती है, जो कि हमारे RSW1 के ए कॉन्टैक्ट पे कनेक्ट हो जाती है दोस्तों। आगे देखिए दोस्तों ये हमारा एनपीपी शर्ट का ईआरआरयू है दोस्तों। इसकी आउटपुट से हमें डीसी पॉजिटिव वायर संख्या 216 प्राप्त होती है, जो कि यहाँ से आउट होकर के पावर पैनल में लगे हुए टर्मिनल नंबर 17 पे आती है और यह सप्लाई टर्मिनल नंबर 45 पे जाती है। 45 से यह सप्लाई आउट होकर के एनपीपी अल्टरनेटर की शंट रेजिस्टेंस के नीचे के सिरे में इनपुट होती है दोस्तों और ऊपर से यह सप्लाई आउट होकर के वायर संख्या 117 बन जाती है। और दोस्तों यह वायर संख्या 117 हमारे RSW1 के बी सिरे पे जाके कनेक्ट हो जाती है दोस्तों। देखिए दोस्तों यह हमारा एम्पीयर मीटर है, जो कि हमारे एनपीपी साइड के अल्टरनेटर की जनरेशन को शो करता है। इस एम्पीयर मीटर के लिए दो वायर उठाए गए हैं, जो कि शंट रेजिस्टेंस के इनपुट और आउटपुट से उठाए गए हैं दोस्तों। इसके इनपुट से यह पॉजिटिव वायर उठाया गया है और इसके आउटपुट से नेगेटिव वायर उठाया गया है। ध्यान रहे दोस्तों जब हमारा अल्टरनेटर जनरेशन करता है तो इस शंट रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होते हैं, इसलिए इसके आउटपुट का सिरा नेगेटिव वायर होगा ही। दोस्तों हमारा ये एम्पीयर मीटर जो है 75 मिलीवोल्ट से ऑपरेट होता है और उसके आधार पे ये स्केल को रीड करके हमें दिखाता है कि हमारा अल्टरनेटर जनरेशन क्या कर रहा है दोस्तों। और दोस्तों जिस समय हमारी गाड़ी स्टैंडिंग पोजीशन में हो, चाहे यार्ड में हो, चाहे कहीं पे भी खड़ी हो, उस समय हमें इस शंट रेजिस्टेंस के दोनों सिरों पर 75 मिलीवोल्ट प्राप्त नहीं होंगे, क्योंकि हमारा अल्टरनेटर जनरेशन नहीं कर रहा है और ये शंट रेजिस्टेंस जो है अपना नॉर्मल वर्क करेगी। इनपुट और आउटपुट से हमें नॉर्मल वोल्टेज प्राप्त होंगे, जो कि 110 वोल्ट डीसी पॉजिटिव है। देखिए दोस्तों अभी तक हमने यह समझा है कि हमारे RSW1 पर पॉजिटिव डीसी किन किन सोर्सेज से आती है। जैसे कि आपने देखा बैटरी सप्लाई आती है इस पे, दूसरा पीपी साइड के ईआरआरयू से सप्लाई आती है और तीसरा दोस्तों एनपीपी साइड के ईआरआरयू से सप्लाई आती है दोस्तों। हमेशा ध्यान रखें दोस्तों RSW1 पावर सेलेक्टर स्विच और RSW2 प्लांट सेलेक्टर स्विच, इन दोनों रोटर स्विच पे नेगेटिव सप्लाई का कोई काम नहीं है। ये दोनों रोटर स्विच पॉजिटिव सप्लाई को इनपुट लेते हैं और पॉजिटिव सप्लाई ही आउटपुट देते हैं। आइए दोस्तों अब हम पावर पैनल में चलने वाली 110 वोल्ट डीसी की नेगेटिव सप्लाई के बारे में समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों बैटरी बैंक के नेगेटिव सिरे से हमें 110 वोल्ट नेगेटिव डीसी प्राप्त होती है, जो कि यहाँ से आउट होकर के 400 एम्पीयर के बैटरी फ्यूज में जाती है और इस बैटरी फ्यूज से आउट होकर के यह सप्लाई वायर संख्या 18 बन जाती है। मेरे माउस के पॉइंटर की तरफ ध्यान रखें दोस्तों, ये एक नेगेटिव बस बार है आप देख रहे हैं दोस्तों। यह वायर संख्या 18 जो है पावर पैनल में लगे हुए टर्मिनल नंबर 23 पे आती है दोस्तों। दोस्तों यह 18 नंबर सप्लाई हमारे पावर पैनल के नेगेटिव बस बार की मेन सप्लाई है दोस्तों,
यदि है 18 नंबर सप्लाई किसी कारणवश यहाँ तक नहीं पहुँच पाती है तो हमारा कोर्स डार्क हो जाएगा दोस्तों। और देखिए दोस्तों, पीपी साइड के ईआरए डीसी हमें नेगेटिव डीसी प्राप्त होती है जो कि वायर संख्या 18 है, और यह 18 नंबर वायर दोस्तों देखिए आगे चल करके हमारे नेगेटिव बस बार के टर्मिनल नंबर 20 पे इनपुट होता है दोस्तों। देखिए दोस्तों, इसी प्रकार हमारे एनपीपी साइड की ईआरआर से 110 वोल्ट डीसी की नेगेटिव सप्लाई आउट होती है जो कि वायर संख्या 18 है। आप देख रहे हैं दोस्तों, ये 18 नंबर सप्लाई यहाँ से आउट होकर के हमारे पावर पैनल में लगी हुई नेगेटिव बस बार के टर्मिनल नंबर 18 पर आती है दोस्तों। आगे देखिए दोस्तों, हमारे पावर पैनल में लगी हुई नेगेटिव बस बार के टर्मिनल नंबर 24 से वायर नंबर 18 उठाया गया है जो कि हमारे बैटरी चार्जर के नेगेटिव टर्मिनल पे जाता है दोस्तों। दोस्तों, इसी नेगेटिव बस बार पे टर्मिनल नंबर 49 है, यहाँ से यह 18 नंबर सप्लाई आउट होकर के एमसीबी 2 दो से ढाई एम्पीयर की है, इसमें इनपुट होती है, और इस एमसीबी से यह नेगेटिव सप्लाई आउट होकर के वायर संख्या 181 बन जाती है जो कि हमारे पावर पैनल में लगे हुए वोल्ट मीटर के नेगेटिव सिरे पे जाती है दोस्तों। आगे देखिए दोस्तों, इस नेगेटिव बस बार के टर्मिनल नंबर 50 से यह 18 नंबर सप्लाई आउट होकर के मेन नेगेटिव एमसीबी एमसीबी 4 40 एम्पीयर जो कि कोच की लाइटों को ऑन करवाती है, इस एमसीबी में इनपुट होती है दोस्तों। और दोस्तों, इस एमसीबी से यह नेगेटिव सप्लाई आउट होकर के लाइटिंग नेगेटिव बस बार पर यह सप्लाई चली जाती है दोस्तों। आगे देखिए दोस्तों, इस नेगेटिव बस बार के टर्मिनल नंबर 26 से दो नेगेटिव वायर आउट होते हैं दोस्तों। और दोस्तों, इन दोनों नेगेटिव वायर में से एक वायर हमारे पावर पैनल में लगे हुए बैटरी चार्जर के डिस्प्ले यूनिट को जाता है दोस्तों। और दोस्तों, यहाँ से यह दूसरा नेगेटिव वायर आउट होकर के कोच में लगे हुई इमरजेंसी लाइट सर्किट के नेगेटिव सिरे को डायरेक्ट चला जाता है दोस्तों। आगे देखिए दोस्तों, इस नेगेटिव बस बार पे दो फ्यूज लगे हुए हैं, फ्यूज F4 फ्यूज F5 250 एम्पीयर। दोस्तों, F4 फ्यूज से वायर नंबर 81 आउट होता है, यह 81 वायर हमारे पीपी साइड के इन्वर्टर के पैनल को जाता है दोस्तों। और देखिए दोस्तों, फ्यूज F5 250 एम्पीयर, इससे यह वायर संख्या 84 आउट होती है, यह 84 नंबर वायर यहाँ से चल करके हमारे एनपीपी साइड के इन्वर्टर के पैनल को जाता है दोस्तों। आइए दोस्तों, अब हम कोच में चलने वाली 110 वोल्ट डीसी की पॉजिटिव सप्लाई के बारे में पूर्ण रूप से चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। जैसा कि हम जानते हैं, हमने इस वीडियो की शुरुआत में RSW1 400 एम्पीयर की 110 वोल्ट डीसी की पॉजिटिव सप्लाई के इनपुट के बारे में विचार किया। अब दोस्तों, हम इस RSW1 से जो सप्लाई आउट होती है, इस सर्किट को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। जैसा कि हम जानते हैं, RSW1 की चार पोजीशन होती है दोस्तों। जब हम इस रोटर स्विच को पोजीशन 1 पे करते हैं तो यह रोटर स्विच अल्टरनेटर 1 प्लस बैटरी का सिलेक्शन करता है दोस्तों। और दोस्तों, इस कंडीशन में यह रोटर स्विच अल्टरनेटर 2 की सप्लाई को डिस्कनेक्ट करेगा, सर्किट में केवल अल्टरनेटर 1 एंड बैटरी ही रहेंगे। और दोस्तों, जब हम इस रोटर स्विच का सिलेक्शन पोजीशन 2 पे करते हैं तब यह रोटर स्विच अल्टरनेटर 2 और बैटरी का सिलेक्शन करता है दोस्तों, और अल्टरनेटर 1 की सप्लाई को डिस्कनेक्ट कर देता है दोस्तों। और दोस्तों, जब हम इस RSW1 को पोजीशन 3 पे करते हैं तब यह अल्टरनेटर 1, अल्टरनेटर 2 एंड बैटरी का सिलेक्शन करता है। और दोस्तों, जब हम इस रोटर स्विच को पोजीशन 4 पे करेंगे तो यह रोटर स्विच ऑफ कंडीशन में होगा, किसी प्रकार का कोई फंक्शन नहीं होगा। आइए दोस्तों, अब हम इस रोटर स्विच के पूरे फंक्शन को समझ लेते हैं दोस्तों। जब हमारा यह रोटर स्विच ऑन पोजीशन में होता है तब यह 26 नंबर वायर के द्वारा 110 वोल्ट डीसी की पॉजिटिव सप्लाई आउट करता है जो कि हमारे पावर पैनल में लगी हुई पॉजिटिव बस बार के टर्मिनल नंबर 46 पर आती है दोस्तों। यह पॉजिटिव सप्लाई इस पॉजिटिव बस बार की मेन इनपुट सप्लाई है दोस्तों। इस पॉजिटिव बस बार पे यहाँ पर एक F1 400 एम्पीयर का फ्यूज दिखाया गया है। इस फ्यूज में यह सप्लाई इनपुट होती है और इस फ्यूज की आउटपुट से वायर संख्या 266 के द्वारा 110 वोल्ट डीसी की पॉजिटिव सप्लाई पास होती है जो कि RSW2 300 एम्पीयर प्लांट सेलेक्टर स्विच में इनपुट होती है दोस्तों। और देखिए दोस्तों, इसी बस बार के टर्मिनल नंबर 47 से यह सप्लाई वायर संख्या 26 के रूप में आउट होकर के MCB1 पे जाती है। इस MCB की आउटपुट से यह 110 वोल्ट डीसी की पॉजिटिव सप्लाई आगे बढ़ती है। और दोस्तों, इस MCB की आउटपुट से हमें वायर संख्या 261 प्राप्त होते हैं। देखिए दोस्तों, इस MCB की आउटपुट वायर संख्या 261 हमारे पावर पैनल में लगे हुए पुश बटन पे जाती है। पुश बटन की इनपुट सप्लाई 261 है दोस्तों। जब हम इस पुश बटन को ऑन करते हैं उस कंडीशन में यह पुश स्विच 263 नंबर सप्लाई पास करता है जो कि यह सप्लाई पास होकर के हमारे वोल्ट मीटर को सीधी चली जाती है और हमारा वोल्ट मीटर गाड़ी की बैटरी के वोल्टेज को शो करता है दोस्तों। इस MCB की आउटपुट से एक वायर और उठाया जाता है, उसके नंबर भी 261 है और इस 261 नंबर वायर के द्वारा यह सप्लाई पावर पैनल में लगे हुए
बल्ब को चली जाती है जो कि पावर पैनल में रोशनी पैदा करने का काम करता है, और इस बल्ब को नेगेटिव सप्लाई MCB 2 वायर संख्या 181 के द्वारा दी जाती है। यह वायर संख्या 181 इस पियानो स्विच पे आती है। इस स्विच को ऑन करते हैं तो इस स्विच की आउटपुट से हमें 264 नंबर सप्लाई प्राप्त होती है। यह 264 नंबर सप्लाई इस बल्ब को नेगेटिव सप्लाई के रूप में मिलती है दोस्तों, और हमारा यह बल्ब ऑन हो जाता है दोस्तों। आगे देखिए दोस्तों, इस पॉजिटिव बस बार के टर्मिनल नंबर 48 से वायर संख्या 26 के द्वारा DC पॉजिटिव सप्लाई उठाई जाती है, जो कि पावर पैनल में लगी हुई DC MCB नंबर 3 40 एम्पीयर में इनपुट होती है दोस्तों। आगे देखिए दोस्तों, इस बस बार के टर्मिनल नंबर 25 से वायर संख्या 201 ए उठाई गई है और दूसरी वायर संख्या 201 उठाई गई है दोस्तों। यह 201 ए पॉजिटिव सप्लाई यहाँ से आउट होकर के हमारे पावर पैनल में लगे हुए बैटरी चार्जर के डिस्प्ले यूनिट को चली जाती है दोस्तों, जिससे कि हमारे डिस्प्ले यूनिट को पॉजिटिव सप्लाई मिल जाती है। और दोस्तों, दूसरा पॉजिटिव वायर संख्या 201 इमरजेंसी लाइट सर्किट के स्विच पे चला जाता है दोस्तों। और दोस्तों, इमरजेंसी लाइट सर्किट के इस स्विच को ऑन करने के पश्चात यह सप्लाई सीधी इमरजेंसी लाइट सर्किट को चली जाती है दोस्तों। आइए दोस्तों, अब हम RSW2 300 एम्पीयर प्लांट सेलेक्टर स्विच की आउटपुट सप्लाई को भी समझ लेते हैं दोस्तों। जैसा कि हम जानते हैं, इस F1 फ्यूज 400 एम्पीयर के द्वारा इस रोटर स्विच के अंदर जो सप्लाई आई हुई है, यह सप्लाई आगे कैसे पास होती है देखिए दोस्तों जब हम इस रोटरी स्विच को पोजीशन 1 पे करेंगे तो यह रोटरी स्विच PP साइड के इन्वर्टर को DC पॉजिटिव सप्लाई पास करेगा। इस कंडीशन में NPP साइड के इन्वर्टर को सप्लाई नहीं देगा। इसी प्रकार दोस्तों, जब हम इस रोटरी स्विच की पोजीशन 2 का सिलेक्शन करेंगे, उस कंडीशन में यह रोटरी स्विच NPP साइड के इन्वर्टर को सप्लाई देगा और PP साइड के इन्वर्टर की सप्लाई को डिस्कनेक्ट कर देगा दोस्तों। और दोस्तों, जब हम इस रोटरी स्विच का सिलेक्शन पोजीशन 3 पे करेंगे, तब यह रोटरी स्विच PP और NPP दोनों इन्वर्टर को एक साथ सप्लाई पास करेगा दोस्तों। नॉर्मल कंडीशन में इस रोटरी स्विच के द्वारा दोनों इन्वर्टर को एक साथ सेलेक्ट किया जाता है दोस्तों। PP साइड के इन्वर्टर के लिए यह रोटरी स्विच वायर नंबर 92 के द्वारा DC पॉजिटिव आउट करता है। यह 92 नंबर सप्लाई यहाँ से चल करके हमारे पावर पैनल में लगे हुए फ्यूज F2 250 एम्पीयर में इन होती है दोस्तों। PP साइड के इन्वर्टर के लिए F2 फ्यूज से प्राप्त आउटपुट 91 नंबर सप्लाई यहाँ से आगे चल करके हमारे PP साइड के इन्वर्टर के पैनल को जाती है दोस्तों। इसी प्रकार दोस्तों, NPP साइड के इन्वर्टर के लिए यह रोटर स्विच वायर नंबर 90 के द्वारा DC पॉजिटिव आउट करता है। यह सप्लाई यहाँ से आउट होकर के हमारे पावर पैनल में लगे हुए फ्यूज F3 को चली जाती है दोस्तों। आगे देखिए दोस्तों, फ्यूज F3 250 एम्पीयर से वायर नंबर 94 के द्वारा DC पॉजिटिव सप्लाई आउट हो रही है, जो कि हमारे NPP साइड के इन्वर्टर के पैनल के लिए जाती है दोस्तों। दोनों इन्वर्टर के लिए नेगेटिव सप्लाई के बारे में हम पहले चर्चा कर चुके हैं, एक बार दोबारा देख लेते हैं दोस्तों। देखिए, पावर पैनल में हमारे एक नेगेटिव बस बार लगी होती है। उस नेगेटिव बस बार पे फ्यूज F4 से वायर संख्या 81 के द्वारा DC नेगेटिव पास होकर के हमारे PP साइड के इन्वर्टर के पैनल को चली जाती है। इसी प्रकार दोस्तों, फ्यूज F5 से वायर संख्या 84 के द्वारा DC नेगेटिव आउट होती है, और यह सप्लाई यहाँ से आगे चल करके हमारे NPP साइड के इन्वर्टर के पैनल को चली जाती है दोस्तों। दोनों इन्वर्टर के पैनल में एक एक MCCB लगी होती है दोस्तों। MCCB की फुल फॉर्म है मोल्डेड कांच सर्किट ब्रेकर दोस्तों। इस MCCB में यह 110 वोल्ट DC नेगेटिव और पॉजिटिव सप्लाई इन होती है दोस्तों। यहाँ दोनों इन्वर्टर की MCCB से 110 वोल्ट DC की सप्लाई सेपरेटली आउट होकर के दोनों इन्वर्टर के सेक्शन को चली जाती है। उसके बाद दोस्तों, दोनों इन्वर्टर सेपरेटली 415 वोल्ट AC आउट करते हैं। यह दोनों इन्वर्टर से प्राप्त AC आउटपुट सप्लाई जो है हमारे इन्वर्टर चेंज ओवर स्विच में आ जाती है दोस्तों। देखिए दोस्तों, PP साइड के इन्वर्टर के द्वारा वायर संख्या 71, 72 और 73 3-phase AC सप्लाई आउट होती है। यह 3-phase AC सप्लाई हमारे PP साइड के इन्वर्टर के पैनल में पहुंचती है दोस्तों। PP साइड के इन्वर्टर के पैनल के द्वारा यह सप्लाई आउट होकर के वायर संख्या 51, 52, 53 के द्वारा 3-phase AC आउट होकर के हमारे इन्वर्टर चेंज ओवर स्विच के रोटर स्विच 3 पर आती है। और दोस्तों, इस इन्वर्टर के साइन फिल्टर के द्वारा 2-phase 415 वोल्ट AC सेपरेटली अलग से पास होती है। यह सप्लाई हमारे इन्वर्टर चेंज ओवर स्विच के RSW4 में इनपुट होती है दोस्तों। देखिए दोस्तों, NPP साइड के इन्वर्टर से वायर संख्या 75, 76 और 77 3-phase AC सप्लाई आउट होती है। यह सप्लाई यहाँ से आउट होकर के हमारे कोच में लगे हुए NPP साइड के इन्वर्टर के पैनल में पहुँचती है दोस्तों। और दोस्तों, यह 3-phase AC सप्लाई
हमारे एनपीपी साइड के इन्वर्टर के पैनल से आउट होकर के वायर संख्या 61, 62 और 63 बन जाती है, जो कि यह सप्लाई हमारे चेंज ओवर स्विच के ISW2 को चली जाती है दोस्तों। और दोस्तों इस इन्वर्टर की आउटपुट से प्राप्त टू फेज साइन वेव सप्लाई यहां से आउट होकर के हमारे इन्वर्टर चेंज ओवर स्विच के रोटरी स्विच 1 पे चली जाती है। दोस्तों आगे देखिए, जब ये चारों रोटरी स्विच नॉर्मल कंडीशन में होते हैं उस स्थिति में इनकी सप्लाई आगे कैसे पास होती है। देखिए दोस्तों, RSW1 दो फेज साइन वेव सप्लाई पास करता है, यह सप्लाई पास होकर के NPP साइड के कंट्रोल पैनल में चली जाती है। और दोस्तों कंट्रोल पैनल में 2 पोल 2 एम्पीयर के MCB में यह सप्लाई इनपुट होती है और इस MCB से यह दो फेज आउट होकर के हमारे कंट्रोल ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग को दे दिए जाते हैं। दोस्तों आइए दोस्तों अब हम RSW2 को समझ लेते हैं। दोस्तों हम जानते हैं RSW2 पर NPP साइड के इन्वर्टर की सप्लाई इनपुट होती है, जो कि वायर संख्या 61, 62 और 63 है। इस रोटर स्विच से यह सप्लाई आउट होकर के वायर संख्या 64, 65 और 66 बन जाती है। यह थ्री फेज सप्लाई यहाँ से आउट होकर के हमारे NPP साइड के कंट्रोल पैनल में चली जाती है। दोस्तों आगे देखिए, दोस्तों RSW3 इस स्विच की आउटपुट वायर संख्या 54, 55, 56 है, जो कि यहाँ से आउट होकर के हमारे PP साइड के कंट्रोल पैनल को ये थ्री फेज 415 वोल्ट सप्लाई चली जाती है और आगे कंट्रोल पैनल का पावर सर्किट पूरा करती है। दोस्तों आगे देखिए, दोस्तों RSW4 टू फेज 415 वोल्ट AC साइन वेव सप्लाई पास करता है, जो कि हमारे PP साइड के कंट्रोल पैनल को चली जाती है। और दोस्तों कंट्रोल पैनल में 2 पोल 2 एम्पीयर के MCB में यह सप्लाई इनपुट होती है और इस MCB से यह दो फेज आउट होकर के हमारे कंट्रोल ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग को दे दिए जाते हैं। दोस्तों इन्वर्टर चेंज ओवर स्विच और कंट्रोल पैनल के संबंध में मैं पहले से वीडियो बना चुका हूं। इन दोनों वीडियो की लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिसे आप देख लीजिए। आइए दोस्तों अब हम कोच लाइटिंग से संबंधित MCB और RSW5 और RSW6 के बारे में चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों हम जानते हैं कोच लाइटिंग के लिए नेगेटिव सप्लाई नेगेटिव बस बार के टर्मिनल नंबर 50 से उठाई गई है, जो कि वायर संख्या 18 के रूप में आउट होता है। यह 18 नंबर सप्लाई मेन नेगेटिव MCB 40 एम्पीयर में इनपुट होती है और इस MCB से यह सप्लाई आउट होकर के कोच लाइटिंग के लिए नेगेटिव बस बार पे चली जाती है। देखिए दोस्तों, इस बस बार के आउटपुट पे 6 MCB लगी मिलेगी आपको। देखिए दोस्तों MCB 6, इस MCB की आउटपुट से वायर संख्या 18-11 नेगेटिव सप्लाई आउट होती है। यह नेगेटिव सप्लाई आउट होकर के DC कंट्रोल टर्मिनल नंबर 9 पर जाती है। दोस्तों इस टर्मिनल नंबर 9 से यह 1811 सप्लाई आगे आउट होती है और इस टर्मिनल से दो वायर निकलते हैं। एक वायर हमारे पावर पैन में लगे हुए पंप कंट्रोलर की तरफ चला जाता है और दूसरा वायर दोस्तों कोच के बाहर लगे हुए पैसेंजर अलार्म चेन इंडिकेशन लाइट के सर्किट के लिए चला जाता है। दोस्तों आगे देखिए, दोस्तों यह MCB 12 5 से 6 एम्पीयर की लगी होती है। यह MCB 1814 नंबर नेगेटिव सप्लाई आउट करती है और दोस्तों यह स्पेयर MCB है और दोस्तों इस MCB से प्राप्त आउटपुट वायर संख्या 1814 टर्मिनल नंबर 12 पर चली जाती है। दोस्तों MCB 14 5 से 6 एम्पीयर वायर संख्या 1815 आउट करती है। यह 1815 नंबर नेगेटिव सप्लाई टर्मिनल नंबर 13 पर चली जाती है। दोस्तों टर्मिनल नंबर 13 से यह नेगेटिव सप्लाई आउट होकर के कोच लाइटिंग के 50% नेगेटिव लाइटिंग सर्किट को सप्लाई चली जाती है। दोस्तों MCB 16 इस MCB के आउटपुट से वायर संख्या 1816 नेगेटिव सप्लाई प्राप्त होती है। यह सप्लाई टर्मिनल नंबर 14 पे चली जाती है। दोस्तों आगे देखिए, दोस्तों टर्मिनल नंबर 14 से यह नेगेटिव सप्लाई आउट होकर के कोच लाइटिंग के दूसरे 50% लाइट सर्किट को यह सप्लाई चली जाती है। दोस्तों देखिए, दोस्तों MCB 1817 नंबर नेगेटिव सप्लाई आउट करती है और यह सप्लाई आउट होकर के टर्मिनल नंबर 15 पर चली जाती है। दोस्तों टर्मिनल नंबर 15 से यह नेगेटिव सप्लाई आउट होकर के कोच के क्यूबिकल लाइट सर्किट को यह सप्लाई चली जाती है। देखिए दोस्तों नेगेटिव MCB नंबर 20 इस MCB के आउटपुट से हमें वायर संख्या 1818 नेगेटिव सप्लाई प्राप्त होती है और यह सप्लाई इस MCB से आउट होकर के टर्मिनल नंबर 16 पे चली जाती है। टर्मिनल नंबर 16 से यह नेगेटिव सप्लाई आउट होकर के कोच में लगे हुए नाइट लैंप सर्किट को चली जाती है। दोस्तों आइए दोस्तों अब हम लाइटिंग सर्किट के लिए पॉजिटिव सप्लाई के सर्किट को समझ लेते हैं। दोस्तों हम पहले यह चर्चा कर चुके हैं कि पावर पैन में लगी हुई पॉजिटिव बस बार के टर्मिनल नंबर 48 से वायर संख्या 26 द्वारा 110 वोल्ट DC की पॉजिटिव सप्लाई आउट होती है। यह 26 नंबर सप्लाई MCB 3 40 एम्पीयर, जो कि पॉजिटिव सप्लाई की मेन MCB है, इस MCB में यह सप्लाई इनपुट होती है। दोस्तों इस MCB की आउटपुट से हमें पॉजिटिव सप्लाई नंबर 27 प्राप्त होती है। देखिए दोस्तों यह 27 नंबर सप्लाई इस MCB से आउट होकर के MCB 5 2 से 2.5 एम्पीयर की MCB है, इस MCB में इनपुट होती है। दोस्तों
इस एमसीबी से यह सप्लाई आउट होकर के वायर संख्या 2721 बन जाती है और यह सप्लाई टर्मिनल नंबर 1 पर आ जाती है। दोस्तों टर्मिनल नंबर 1 से 2 वायर उठाए जाते हैं, इन दोनों में से एक वायर पैसेंजर अलार्म चेन इंडिकेशन लाइट सर्किट को चला जाता है और दोस्तों टर्मिनल 1 से दूसरा वायर उठा करके हमारे पंप कंट्रोलर को दे दिया जाता है। और दोस्तों हम ये जानते हैं कि हमारे पंप कंट्रोलर की ऑपरेटिंग वोल्टेज 110 वोल्ट डीसी है। देखिए दोस्तों डायग्राम की तरफ, RSW5 में 27 नंबर सप्लाई इनपुट हो रही है और दोस्तों यहाँ से एक जम्पर वायर उठा करके RSW6 को भी यह 27 नंबर सप्लाई दी गई है। दोस्तों इस RSW5 की आउटपुट से हमें 3 सप्लाई प्राप्त होती है, सप्लाई नंबर 2741, 2742 और 2743। और दोस्तों यह RSW5 एक साइड 50% लाइट सर्किट का सिलेक्शन करता है और दूसरी साइड 100% लाइट सर्किट का सिलेक्शन करता है। और दोस्तों यह वायर संख्या 2741 इस MCB11 में इनपुट होती है और इस MCB की आउटपुट वायर संख्या 2744 है जो कि आगे टर्मिनल नंबर 4 पे चली जाती है। दोस्तों यह MCB स्पेयर MCB है, इसको इमरजेंसी में यूज किया जा सकता है। आगे देखिए दोस्तों RSW5 से प्राप्त वायर संख्या 2742 इस MCB13 में इनपुट होती है दोस्तों और इस MCB की आउटपुट वायर संख्या 2745 है जो कि टर्मिनल नंबर 5 पर जाती है। दोस्तों टर्मिनल नंबर 5 से यह पॉजिटिव सप्लाई आउट होकर के कोच के 50% लाइटिंग सर्किट को चली जाती है। देखिए दोस्तों RSW5 से प्राप्त वायर संख्या 2743 इस MCB15 में इनपुट होती है और दोस्तों इस MCB की आउटपुट वायर संख्या 2746 है जो कि यहाँ से आगे चल करके टर्मिनल नंबर 6 पर जाती है। और दोस्तों टर्मिनल नंबर 6 से यह सप्लाई आउट होकर के लाइटिंग सर्किट में दूसरे 50% लाइट सर्किट को चली जाती है। आइए दोस्तों अब हम RSW6 को समझ लेते हैं। दोस्तों इस रोटर स्विच के द्वारा हम कोच की क्यूबिकल लाइट सर्किट और नाइट लाइट सर्किट का सिलेक्शन करते हैं। दोस्तों इस रोटर स्विच की आउटपुट से हमें वायर संख्या 2751 और वायर संख्या 2752 प्राप्त होते हैं। दोस्तों ये वायर संख्या 2751 पॉजिटिव सप्लाई इस MCB17 में इनपुट होती है। दोस्तों यह MCB 10 एम्पीयर की MCB है और इस MCB की आउटपुट वायर संख्या 2753 है। यह सप्लाई 2753 टर्मिनल नंबर 7 पर चली जाती है। टर्मिनल नंबर 7 से यह सप्लाई आउट होकर के कोच के क्यूबिक लाइट सर्किट को दे दी जाती है। दोस्तों आगे देखिए दोस्तों RSW6 की आउटपुट से प्राप्त वायर संख्या 2752 यह सप्लाई MCB 19 में इनपुट होती है। यह MCB भी 10 एम्पीयर की MCB है। इस MCB की आउटपुट सप्लाई वायर संख्या 2754 है। यह 2754 सप्लाई टर्मिनल नंबर 8 पर चली जाती है। टर्मिनल नंबर 8 से यह सप्लाई आउट होकर के कोच के नाइट लैंप सर्किट को दे दी जाती है। दोस्तों इस प्रकार से कोच की लाइटिंग का सर्किट पूरा होता है। आइए दोस्तों अब हम बैटरी चार्जर को दी जाने वाली 415 वोल्ट AC की सप्लाई को समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों कोच के दोनों साइड एंड पर 415 वोल्ट सप्लाई देने के लिए प्री कूलिंग सॉकेट लगाए गए हैं। देखिए दोस्तों प्री कूलिंग सॉकेट PP साइड, प्री कूलिंग सॉकेट NPP साइड। दोस्तों जब हम प्री कूलिंग सॉकेट PP साइड में 415 वोल्ट AC की 3-phase एक्सटर्नल सप्लाई देते हैं तो यह सप्लाई सॉकेट से आउट होकर के वायर संख्या 101, 102, 103 बन जाती है और यह तीनों फेस पावर पैनल में लगे हुए टर्मिनल नंबर 78, 79 और टर्मिनल नंबर 80 पे चली जाती है। दोस्तों इन तीनों टर्मिनल से यह पावर सप्लाई आउट होकर के हमारे पावर पैन में लगे हुए RSW8 प्री कूलिंग चेंज ओवर स्विच पर आ जाती है। दोस्तों इसी प्रकार दोस्तों जब हम प्री कूलिंग सॉकेट NPP साइड को 3-phase 415 वोल्ट AC एक्सटर्नल सप्लाई देते हैं तो इस सॉकेट की आउटपुट से हमें वायर संख्या 301, 302, 303 प्राप्त होती है जो कि आगे चल करके हमारे पावर पैनल में लगे हुए टर्मिनल नंबर 81, 82 और 83 को चली जाती है। दोस्तों देखिए दोस्तों यहाँ पर टर्मिनल 81, 82 और 83 से यह 415 वोल्ट 3-phase AC सप्लाई पास होकर के RSW8 प्री कूलिंग चेंज ओवर स्विच पर आ जाती है। दोस्तों इस प्रकार दोस्तों हमने देखा PP साइड की सप्लाई RSW8 पर आती है और NPP साइड की सप्लाई भी RSW8 पर आती है। दोस्तों इस बात को हम भलीभांति जानते हैं कि प्री कूलिंग के दौरान हम एक साइड चार्जिंग बांधेंगे, दोनों साइड एक साथ कभी नहीं बांधेंगे। वह एक साइड PP साइड भी हो सकता है और वह एक साइड NPP साइड भी हो सकता है। आगे देखिए दोस्तों जब हम RSW8 प्री कूलिंग चेंज ओवर स्विच से एक्सटर्नल सप्लाई का सिलेक्शन करते हैं तो इस रोटर स्विच की आउटपुट पे हमें वायर संख्या 401, 402 और 403 3-phase AC सप्लाई प्राप्त होती है। और दोस्तों यह 3-phase सप्लाई यहाँ से आउट होकर के पावर पैनल में लगे हुए टर्मिनल नंबर 84, 85 और 86 पर आ जाती है। दोस्तों इन तीनों टर्मिनल से यह 3-phase सप्लाई आउट होकर के वायर संख्या 401, 402 और 403 बन जाती है। और दोस्तों यहाँ से यह 3-phase सप्लाई बैटरी चार्जर को सीधी भेज दी जाती है। और दोस्तों यह IGBT बेस्ड बैटरी चार्जर है और यह लोड के हिसाब से अपने आप को सेल्फ कंट्रोल करता है। और दोस्तों इस बैटरी चार्जर की आउटपुट से हमें DC पॉजिटिव और नेगेटिव सप्लाई मिलती है। और दोस्तों
इस बैटरी चार्जर की आउटपुट डीसी सप्लाई को सबसे पहले पावर पैनल में भेजा जाता है और पावर पैनल से इस नेगेटिव और पॉजिटिव सप्लाई को बैटरी में भेज दिया जाता है, जिससे हमारे बैटरी चार्जिंग का सर्किट पूरा हो जाता है। दोस्तों, वीडियो के इस भाग में आज हमने पावर पैनल में चलने वाली 110 वोल्ट डीसी की सप्लाई से संबंधित चर्चा की है। दोस्तों, आरएमपी एचडीएससी कोच के पावर पैनल के संबंध में यदि आप 110 वोल्ट डीसी की सप्लाई के बारे में किसी भी प्रकार की चर्चा करना चाहते हैं या आपके पास किसी भी प्रकार का कोई सवाल हो तो आप मुझे मेरे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। दोस्तों, मैं आपके द्वारा किए गए सवालों का रिप्लाई जरूर दूंगा। दोस्तों, यह वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इस वीडियो के बारे में कोई भी सजेशन देने अथवा अधिक जानकारी हेतु दिए गए ईमेल आईडी पर संपर्क करें। दोस्तों, यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।